नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की रिम्स की लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां, कहा नए सिरे से करें भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी है। ये नियुक्तियां साल 2020 की थी। अदालत ने कहा कि नियुक्ति गलत अर्हता के आधार पर की गई थी। कोर्ट ने यह फैसला एक रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी भुवन भास्कर ने रीट याचिका दायर की थी, जिसके अनुसार लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति गलत अर्हता के साथ की गई है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक परीक्षा में नहीं जोड़े जा सकते हैं, जबकि इस नियुक्ति में स्किल टेस्ट के अंक को भी जोड़ते हुए नियुक्ति की गई थी। ये कहते हुए हाईकोर्ट ने 28 नियुक्तियों को रद्द कर दी है और नए सिरे से भर्ती कराने का आदेश दिया है। मुथूट फाइनेंस के कर्मी से 3.93 लाख की लूट का खुलासा, 1.27 लाख कैश के साथ 4 आरोपी अरेस्ट। कोडरमा जिले के डोमचाल थाना क्षेत्र के सफी रोड स्थित अंबादाह घाटी के समीप अज्ञात अपराधियों के द्वारा मुथूट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 3,93,700 रुपए की लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने लूटपाट की घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार आरोपियों में डोमचाल के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक राहुल कुमार पांडे और मुथूट कंपनी के फील्ड ऑफिसर कुर्बान अंसारी, जम्मू आरी निवासी और मुथूट कंपनी के फील्ड ऑफिसर रंजीत कुमार मेहता और डोमचाल थाना क्षेत्र के लेंगरा पीपार निवासी रोशन कुमार यादवपुर रॉकी के नाम शामिल है। पुलिस ने लूटपाट में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल और लूटे गए राशि में से 1,27,100 रुपया बरामद किए हैं। 10,000 रुपया रिश्वत लेते खूंटी सदर थाने का एएसआई श्रीकांत अरेस्ट, एसीबी की टीम ने ऐसा किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने मंगलवार को झारखंड के खूंटी जिले में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। सदर थाने के एएसआई श्रीकांत को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खूंटी सदर थाने के एएसआई श्रीकांत द्वारा थाने में दर्ज केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। पीड़ित ने रिश्वत नहीं दिया और रांची एसीबी की टीम से इसकी शिकायत की। इसके बाद कार्रवाई कर एएसआई को अरेस्ट किया गया है। सरेंगता माइंस में बम से हमला, कुख्यात माओवादी रविंद्र गंजू ने दिया घटना को अंजाम। गुमला घाघरा के सरेंगता माइंस में माओवादियों ने हमला कर दिया है। खबर है कि 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एक गाड़ी पर बम से हमला भी किया गया है। माओवादियों ने एक पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली है। इधर घटना की सूचना मिलने पर मंगलवार की सुबह एसपी एसएसपी सहित कई अधिकारी पहुंचे। जानकारी के अनुसार माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू ने अपने दस्ते के साथ घटना को अंजाम दिया है। घटना स्थल से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 1 से 2 बजे के बीच नक्सली पहुंचे। उस वक्त 4 मजदूर पुराना पुलिस पिकेट में सो रहे थे। नक्सलियों ने उन मजदूरों को उठाया, डीजल मांगकर सभी गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही मजदूरों को पर्चा देते हुए माइंस क्षेत्र में काम बंद रखने की धमकी दी। आग लगाने के बाद नक्सली निकल गए। 18 लाख की लागत से पार्क में लगाए गए थे झूले, 2 महीने में ही लगे टूटने, पैसों के बंदरबांट का आरोप। चतरा जिला मुख्यालय के शहीद विनय भारती पार्क में बच्चों के सर्वांगीण विकास और मनोरंजन के लिए झूले इत्यादि लगाए गए थे, जो 1 साल में ही दयनीय स्थिति पर पहुंच चुके हैं। 1 साल पहले पार्क में लगाए गए झूले और अन्य मनोरंजन के सामान टूटने लगे हैं, जिससे बच्चों को हमेशा गिरने का डर बना रहता है। कई बच्चे गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। पार्क में बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है। झूला में बैठने वाले सीट भी टूट गए हैं। दिसंबर 2022 में पार्क में झूला प्रशासन द्वारा झूले व अन्य मनोरंजन की सामान लगभग 18 लाख की लागत से लगाए गए थे। लगने के 2 महीने बाद से ही सामान टूटने लगे हैं। कहा जा रहा है कि निम्न गुणवत्ता वाले सामान लगाए गए हैं, यही वजह है कि लगने के कुछ माह बाद से ही सामान टूटने लगे। सिकड़ के जगह रस्सी का उपयोग किया गया है, जो दिन प्रतिदिन टूट रहा है। लोगों का कहना है कि पार्क में निम्न गुणवत्ता की सामान लाकर पैसों का बंदरबांट किया गया है। गिरिडीह में स्कूल बस का एक्सीडेंट, घने कोहरे के कारण ऑटो से हुई टक्कर। गिरिडीह के बेंगाबाद में स्कूली बच्चों को ले जा रहे विंगर का एक्सीडेंट हो गया। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी खंडोला मोड़ के पास घने कोहरे के बीच एक ऑटो से टकरा गई। ऑटो विपरीत दिशा से आ रही थी, ऐसे में बस और ऑटो में आमने सामने की टक्कर हो गई। बता दें कि बस बेंगाबाद इलाके के बच्चों को लेकर बहनती गाने में स्थित स्कूल सलूजा इंटरनेशनल स्कूल जा रही थी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जबकि ऑटो चालक और उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। गनीमत रही कि स्कूल बस में सवार सभी बच्चे बाल बाल बच गए और सभी सुरक्षित हैं। सारठ के रानीगंज घाट से बालू चोरी, जेसीबी वो हाईवा जब्त। देवघर जिले के सारठ थाना अंतर्गत रानीगंज घाट से बालू चोरी कर जेसीबी से उठाकर हाईवा में लोड कर निकालने का मामला सामने आया है। रानीगंज गांव स्थित नदी घाट में कार्यरत झारखंड खनिज निगम रांची के कर्मी मुंशी टुडू की शिकायत पर सारठ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
देवघर पुलिस मीडिया सेल द्वारा बताया गया कि दर्ज मामले में जिक्र है कि झारखंड खनिज निगम रांची के कर्मी मुंशी टुडू रानीगंज बालूघाट के प्रभारी हैं। 6 जनवरी की शाम करीब 6 बजे वो डेरा गए। दूसरे दिन सुबह 7 बजे घाट पर पहुंचा तो देखा कि 2 हाईवा 900 सेफ्टी बालू चोरी हो गई है, वहीं फिर एक हाईवा पर बालू लोड हो रहा है। उसने मामले की सूचना रांची सहित डीएमओ देवघर को दिया। इसके बाद डीएमओ ने पहुंचकर हाईवा व जेसीबी सारण थाने की पुलिस की मदद से पकड़ा। चालक से कागजात भी मांगा गया। इसके बावजूद चालक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भागने में सफल रहा। उधर सूत्रों की माने तो किसी पुलिस अधिकारी के नाम पर ही 2 हाईवा बालू शनिवार रात में उक्त घाट से उठा था, फिर रविवार सुबह 1 हाईवा में उसी पुलिस पदाधिकारी के नाम पर ही बालू लोड किया जा रहा था। सूत्र पर ही भरोसा करें तो जब हाईवा देवघर के किसी रसूखदार का है, वहीं जब जेसीबी सारण इलाके के ही किसी दबंग का है। एक माह में 147 लोगों पर बिजली चोरी का केस, 24.66 करोड़ का राजस्व अर्जित। बिजली विभाग के देवघर विद्युत अंचल ने दिसंबर माह में देवघर व गोड्डा जिला क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान चलाया। एक माह के दौरान विभागीय टीम ने बकाया बिल वसूल कर राजस्व प्राप्त करने के लिए 510 घरों में छापेमारी की तथा कुल 24,67,161 रुपया राजस्व अर्जित किए हैं। साथ ही विभाग की ओर से 147 वैसे उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया जिन लोगों ने लाइन कटे होने के बाद भी अवैध तरीके से टोका लाकर बिजली का उपयोग कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट स्वांतिक की सड़क हादसे में मौत, जीत चुकी थी 60 से अधिक पदक। जमशेदपुर की अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट शांति मुक्ता बरला की सोमवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो मूल रूप से गुमला के रहने वाली थी। सोमवार की सुबह वह स्कूटी से अपने घर गुमला जा रही थी। तमार थाना क्षेत्र के जोजोडी गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे शांति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। तमार पुलिस ने सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल से शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शांति के साथ सुधा नाम की लड़की भी स्कूटी पर सवार थी, लेकिन वो सुरक्षित बताई गई है। शांति महिला यूनिवर्सिटी में खेल शिक्षक भी थी। वो आदित्यपुर के डब्ल्यू टाइप में किराए में रहती थी। उनके पीछे पति और एक बेटा है। राजनगर के ईचा में निकाली गई पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा, 22 जनवरी को घरों में 11 दिए प्रज्वलित करने की अपील। सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर प्रखंड के ईचा गांव में मंगलवार को पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह पर अक्षत कलश यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। अक्षत कलश यात्रा को गांव के प्राचीन रामलल्ला का रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया गया। ज्ञात हो कि ईचा में बने रघुनाथ मंदिर का निर्माण 200 साल पहले राजा गंगाराम ने करवाया था। अक्षत कलश की शोभा यात्रा के दौरान लोगों से आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी अपने अपने घरों में 11 दीप प्रज्वलित कर मंदिर लोकार्पण का साक्षी बनने के लोगों से अपील की गई। इस दौरान राजेश्वर सिंहदेव ने बताया कि 22 जनवरी को विशेष पूजा व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। लालू यादव की राह पर सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद बोले बबलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बबलाल मरांडी मंगलवार को प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने राजभवन पहुंची। मुलाकात करने के बाद बबलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के जाने से पहले भी इस मुद्दे पर उन्होंने पत्राचार किया था। अभी फिर राज्यपाल से मुलाकात कर नए साल की बधाई दी और झारखंड की राजनीतिक उथल पुथल पर बातचीत की। बबलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन गांडे विधानसभा में फिर से चुनाव करवाकर पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने आनंद फानंद में गांडे सीट खाली करवाया। इधर जेएमएम ने चुनाव आयोग से चुनाव करवाने की सिफारिश भी कर दी है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बबलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू यादव की राह पर चल रहे हैं। डोबो गौरी घाट में डीएमओ की दबिश, अवैध खनन के लिए बने प्लेटफॉर्म किए ध्वस्त। सरायकेला जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार ने उपायुक्त के निर्देश पर मंगलवार सुबह डोबो गौरी घाट पर अवैध बालू खनन के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया, जहां दर्जनों अवैध खनन के लिए बनाए गए ड्रम के प्लेटफॉर्म को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया, जबकि खनन कार्य में लगे मजदूर भागने में सफल रहे। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत डोबो गौरी घाट पर 2 दिन पूर्व जबरदस्त तरीके से ड्रम से तैयार प्लेटफॉर्म बनाकर मजदूरों द्वारा ट्रैक्टर से अवैध बालू खनन किए जाने की शिकायत जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को प्राप्त होने के बाद जिला खनन पदाधिकारी को छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार दलबल के साथ सोमवार सुबह डोबो गौरी घाट पहुंचे। खनन पदाधिकारी के पहुंचते ही अवैध खनन में लगे मजदूर भागने में सफल रहे। इस दौरान दर्जनों प्लेटफॉर्म को ध्वस्त किया गया, जबकि अवैध खनन कार्य में लगे एक ट्रैक्टर को जब्त कर कपाली पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।